सो आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि आप फटाफट से कितने भी लहसुन हो आप कैसे फटाफट से आसान से तरीके से इसको अच्छे से छील सकते हो और इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। स्टोर करने से आपको जब भी सब्जी बनानी हो तो वो इजी फॉर्म रहता है आपके लिए। लहसुन आपको जितने लेने हो ले लीजिए, उसके बाद सारे लहसुन की आप कलियों को अलग अलग कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया है। मैंने 4 से 5 लहसुन लेके उनकी सारी कलियों को अलग अलग कर लिया था, और जितना भी एक्सेस कूड़ा है वो आप अलग कर लो, छिलका, ठीक है, वो अलग कर लो। उसके बाद एक साइड में आप पतीले में पानी गरम करो, पानी गरम जैसे ही हो जाए उसको आप बंद कर दो। उसके बाद एक आधा चम्मच आप बेकिंग सोडा डाल दो, ठीक। उसको सोडा के डालने के बाद आप उसको मिक्स कर दो, और पानी का टेम्परेचर जैसे नॉर्मल होता है ना वैसे ही आप जितने भी लहसुन हैं आपके पास आप सारे उसमें डाल दो, ठीक। सारे लहसुन डालने के बाद इसको कम से कम आप 5 मिनट के लिए इसको किसी लिड वगैरह या प्लेट वगैरह से आप इसको 5 मिनट के लिए हार्ट टू हार्ट बंद कर दो, जैसे कि मैंने किया है, आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। और 5 मिनट के बाद अब जब ये पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा ना, तब आप देखोगे कि अभी पानी थोड़ा सा हल्का सा गर्म था, इसलिए मैंने चम्मच की हेल्प से इसको देखा कि इसके जितने भी ऊपर की लेयर थी वो छूट रही थी ऑटोमेटिक मोड पे। इसको मैं कुछ नहीं करी, सिर्फ इसको टच करा रही हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो ना कि इजीली वो रिमूव हो रही है उसकी लेयर ऊपर की। तो मैंने 5 मिनट और के लिए दोबारा से ढक के रख दिया था, और जैसे मैंने इसको खोला तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने सिंपल उसको छुआ है और उसका छिलका ऑटोमेटिक मोड पे उतर गया है। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टेक्निक, सो इट मस्ट ट्राई इट वंस इन योर किचन, एंड होपफुली यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल। मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज़।